हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आज जो है ये अभ्यास क्लास जो पढ़ रहे थे भोजन के घटक, इसमें हम लोग देखेंगे आज ये प्रोटीन के कार्य, प्रोटीन हम लोग पढ़ रहे थे। तीसरा आपको बताया गया था पिछले वीडियो में बेटा कि प्रोटीन भोजन के वे कार्बनिक यौगिक है जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं। इसकी संरचना आपको बताई गई थी। कुछ प्रोटीन ऐसे भी होते हैं जिसमें सल्फर और फास्फोरस तथा अन्य धातुएं भी मिली होती है। प्रोटीन शरीर का निर्माण करते हैं, इनका मुख्य कार्य है शरीर का निर्माण करना। ये शरीर में लगभग 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। मतलब अगर 1 ग्राम प्रोटीन हम लेते हैं तो उससे हमको जो है 1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है बेटा, ये आपको बताया गया था। मतलब प्रोटीन से भी हमको ऊर्जा प्राप्त होती है। अब आते हैं उसको प्रोटीन के कार्य। इसके क्या क्या कार्य है ये जान लीजिए। प्रोटीन जीवों को लगभग सभी जैविक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। प्रोटीन जो होता है जीवों की लगभग सभी जैविक क्रियाएं, कोई भी जैविक क्रिया हो जैसे पाचन है, उत्सर्जन है, रक्त परिसंचरण है, तमाम प्रकार की जो है जैविक क्रियाएं होती है, सब में जो है प्रोटीन जो है भाग लेता है। और प्रोटीन का जो कार्य है कुछ कार्य आपको इस तरीके से बताया जा रहा है। पहला आप जानेंगे कि प्रोटीन जो है शरीर के निर्माणक पदार्थ होने के कारण प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायता करते हैं। ठीक है, पहला कार्य प्रोटीन शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं या सहायता करते हैं, सहायक होते हैं। ठीक, ये बेटा पहला कारण हो गया कि प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, अतः इन्हें शरीर निर्माणक भोजन भी कहते हैं। अतः इन्हें क्या कहा जाता है, शरीर निर्माणक भोजन, मतलब शरीर का निर्माण करने वाला भोजन भी इसको कहा जाता है। ये क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करते हैं तथा मृत कोशिकाओं और ऊतकों की पूर्ति करते हैं। अब ये जानिए दूसरा इसका कार्य है, ये क्षतिग्रस्त या प्रोटीन क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करते हैं। अंगों की मरम्मत करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, एक क्षतिग्रस्त अंग जो होते हैं उसकी मरम्मत करने का कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको कहीं चोट लग गया, ठीक है, हमारा कहीं से जो है कट गया कोई अंग, तो हमें जो है डॉक्टर लोग क्या करते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन या प्रोटीन युक्त कोई भी पदार्थ खाने के लिए सलाह देते हैं ताकि वो जो घाव है वो जल्दी से रिकवर हो जाए, जल्दी से भर जाए। ठीक है, अगर कोई शरीर में ऑपरेशन भी होता है तो डॉक्टर लोग जो है प्रोटीन युक्त भोजन लेने की सलाह देते हैं, जैसे दाल का पानी हो गया, ठीक है, या फिर जो है आपको अंडे हो गए, मांस हो गए,
जो है आपको खाने की सलाह देते हैं, पनीर हो गए, ताकि उसमें जो प्रोटीन की मात्रा जो पाई जाती है अधिक मात्रा होती है, जिससे आपका घाव जो होता है वो जल्दी भर जाता है, रिकवर हो जाता है, ठीक हो जाता है। तो ये कहा गया है कि एक क्षतिग्रस्त अंगों की मरम्मत करते हैं तथा मृत कोशिकाओं जो मरे हुए कोशिकाएं होती हैं या उसको के क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं। आगे हम क्या तीसरा में कुछ प्रोटीन भोजन को पचाने तथा अन्य उपापचयी क्रियाओं में सहायक करते हैं, ठीक है। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो भोजन को पचाने में सहायता करते हैं, ठीक है। तीसरा भोजन के पाचन में, भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। प्रोटीन का तीसरा कारण है कि ये भोजन को पचाने का भी कार्य करते हैं। आगे बेटा, कुछ प्रोटीन हीमोग्लोबिन, नाखून, बाल, त्वचा तथा पेशियों जैसे शरीर के अवयव बनाने में सहायता करते हैं, जैसे भेड़, बकरी, रीछ मतलब भालू जो होते हैं इत्यादि जंतुओं की ऊन प्रोटीन से बनती, ऊन जो है प्रोटीन से बनी होती है तथा रेशम के कीड़े का रेशमी धागा भी प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अगला चौथा जो कारण बताया गया आपको इसका कि प्रोटीन हीमोग्लोबिन जो ब्लड में पाया जाता है, खून में पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है, उसके निर्माण में नाखून, बाल, त्वचा इन और मांसपेशी इन सब के निर्माण में भी जो है वो सहायक होती है प्रोटीन। और जैसे भेड़, बकरी या रीछ ये जंतुओं से बाल से जो ऊन बनता है वो भी प्रोटीन उसमें होता है, रेशम के कीड़े द्वारा जो रेशम तैयार किया जाता है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। आगे अगला है क्या, कुछ प्रोटीन रोगों के प्रतिरोध क्षमता प्रदान करते हैं। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो हमको रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर पैदा करते हैं, ताकि हमारे अंदर जो रोग हो वो जल्दी से जो है ठीक हो जाए, ठीक है। तो मेन कार्य आपको बता दिया गया कि ये हमारे शरीर के निर्माण में सहायक होते हैं, प्रोटीन जो क्षतिग्रस्त अंग होते हैं उसकी मरम्मत करते हैं, और तीसरे को बताया गया भोजन के पाचन में सहायक होते हैं। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप एकदम लागू करेंगे। उसके बाद है अगला हेडिंग आपका प्रोटीन के स्रोत, अर्थात प्रोटीन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। एक तो प्रोटीन से क्या हो गया, इसके बाद प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन हमें किन किन चीजों से प्राप्त होता है। आइए बच्चों प्रोटीन के स्रोत देखते हैं। जैसे आपने वसा में देखा जंतु वसा और उसके बाद पादप वसा, उसी तरीके से इसमें भी हमको दो प्रकार के स्रोत मिलेंगे, जंतु प्रोटीन, जंतु के द्वारा मिलने वाले प्रोटीन जंतु स्रोत, जंतु और यहां पादप स्रोत। ये दो प्रकार का प्रोटीन आपको मिलेगा। कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जो जंतुओं के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा। दूध, मांस, मछली, पनीर, अंडा इत्यादि, ये सब चीजें हैं क्या, दूध है, मांस है, मछली है, पनीर है, अंडा है, इन सब में जो है प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, और ये
दूधा जानते हैं जैसे दूध मिलता है जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी इत्यादि, मांस भी आप जानते हैं जैसे दूध का ही मांस खाया जाए, मछली है मछली भी जो है मछली भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको मिलेगा, पनीर दूध से तैयार किया गया है तो ये भी आपको बच्चे के द्वारा मिलेगा, अंडा अंडा भी आप देखते हैं ठीक है कि जंतुओं के द्वारा पक्षियों के द्वारा ये मिलता है। तो इस तरीके से जंतु क्रोध हो गया बेटा। उसके बाद है पादप क्रोध, मतलब पेड़ पौधे से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, पेड़ पौधे से उत्पन्न होने वाली चीजों को यदि हम खाते हैं तो उनसे भी हमें जो है प्रोटीन की मात्रा भरपूर मात्रा में मिलती है। इनमें क्या क्या है बच्चों देखिए, जैसे दाल हो गया, दाल या दालें तो, और उसके बाद हो गया आपका फलिया या फल, फल सोयाबीन, सोयाबीन ठीक है इत्यादि। देखिए जो दाल होती है दाल, जैसे अरहर की दाल ठीक है, मसूर की दाल या फिर मटर की दाल, चने की दाल, ये सब में जो है प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है, जो कि दाने आप जानते हैं पेड़ पौधों के द्वारा मिलता है ठीक है। उसके बाद विभिन्न प्रकार के फल होते हैं जिसमें प्रोटीन पाया जाता है, तो फल भी जो है कहाँ मिलता है पेड़ पौधों से, सोयाबीन है, सोयाबीन में भी प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, सोयाबीन का भी पौधा होता है। और इस तरीके से आपने देखा कि कुछ ऐसे भी स्रोत हैं जो हमको प्रोटीन प्रदान करते हैं और वो पेड़ पौधे के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, इसीलिए उनको जो है पादप स्रोत कहा जाता है, प्रोटीन के पादप स्रोत ठीक है बेटा। अब है प्रोटीन की कमी से होने वाली परेशानियां, प्रोटीन की कमी से होने वाली परेशानियां, प्रोटीन की कमी से क्या क्या परेशानियां, कमी से होने वाली परेशानियां, प्रोटीन की कमी से होने वाली परेशानियां क्या क्या परेशानी हो सकती है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की बच्चों कमी हो जाती है तो हम हमारे शरीर में क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या परेशानियां आ सकती है। देखिए दैनिक जीवन में प्रोटीन की कमी से बच्चों की वृद्धि रुक जाती है। अगर हम जो है प्रतिदिन अपने भोजन में प्रोटीन की मात्रा नहीं लेते हैं, उचित मात्रा प्रयोग नहीं करते हैं, तो जो बच्चे लोग होते हैं छोटे बच्चे उनकी वृद्धि जो विकास होता है शारीरिक विकास वो रुक जाता है, वो ठीक प्रकार से उनका ग्रोथ नहीं हो पाता है ठीक है, उनका कद जो है छोटा रह जाता है, शरीर के भार में भी कमी हो जाएगी। आप जानते हैं बच्चों जब उनका विकास नहीं होगा शारीरिक विकास तो निश्चित तौर पर उनके भार में भी कमी आपको देखने को मिलेगी, तथा पेशियों के विकास में भी कमी हो जाती है ठीक है, जो मांसपेशियां होती है उनका भी विकास उचित प्रकार से नहीं हो पाता है, और प्रोटीन के अत्यधिक उपयोग से ये तो हो गया बच्चों। अगर हम उचित मात्रा में प्रतिदिन अपने शरीर में जो है प्रोटीन नहीं लेते हैं तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, पहली परेशानी है ठीक है। और इससे जो है छोटे बच्चे को जो है भरपूर मात्रा में प्रोटीन देना चाहिए ताकि उनका जो शारीरिक वृद्धि हो वो जो है ठीक प्रकार से हो सके ठीक है, उनके लंबाई में वृद्धि हो सके, उनके जो शारीरिक भार है वजन है उनका जो है उसका वृद्धि हो सके। और उसके बाद ये तो मुख्य वृद्धि हो गया आपका, मुख्य जो है परेशानियां, अगर इसकी अगर हम कमी करते हैं तो वृद्धि आपकी रुक जाएगी। और दूसरा इसका क्या जो है, अगर हम ज्यादा प्रोटीन का सेवन करते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन ज्यादा करते हैं तो इससे भी हमको हानियां हैं, इसलिए प्रोटीन हमको जो है हमेशा उचित मात्रा में लेना चाहिए जिससे हमारा शरीर ठीक रह सके। देखिए आगे लिखा है,
प्रोटीन का अगर हमारे शरीर में अधिकता हो जाती है तो वृक्क की क्षति, वो वृक्क को क्षति पहुंचाती है। वृक्क आप जानते हैं जिसको जिसको आप क्या बोलते हैं, गुर्दा बोलते हैं, ठीक है। वृक्क जिसको किडनी बोला जाता है, ठीक, शरीर में होता है वो आंतरिक अंग है बेटा, जो सेल के बीच के आकार का आपको दिखाई देगा, ठीक। वो जो है आपको ये मूत्र को छानने का ही कार्य करता है, ठीक है, वृक्क। और तो इसका जो है वृक्क की स्थिति क्या हो जाती है, अधिक अगर प्रोटीन का यूज करेंगे तो ये क्षतिग्रस्त हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा अपना आपका पार्ट, ठीक है बेटा। आगे है विटामिन, अगला क्या है, अब ये हो गया प्रोटीन कंप्लीट होता, और देखेंगे विटामिन। चौथा बेटा विटामिन, विटामिन क्या होता है इसके बारे में जानिए। विटामिन बहुत से कार्बनिक यौगिकों का वह समूह है जो शरीर में एंजाइमों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। तो आपने देखा कि लोग विटामिन भी एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, कार्बनिक यौगिकों का समूह है विटामिन। विटामिन विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है। ये विटामिन है, कोई पूछेगा विटामिन क्या होता है, तो आप आंसर देंगे विटामिन विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है, ठीक है। इनका कार्य क्या है, जो शरीर के एंजाइमों की सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होते हैं। जो हमारे शरीर में एंजाइम होते हैं, विभिन्न प्रकार के एंजाइम, उनको क्रियाशील बनाने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। सामान्यतः विटामिन हमें भोजन से प्राप्त होते हैं। विटामिन हमको कहाँ से मिलते हैं, भोजन से मिलते हैं। ये भोजन में अति अल्प मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में ये भोजन में पाए जाते हैं, फिर भी ये हमारे जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है, ठीक ना। प्रत्येक भोजन में जो हम दैनिक रूप से रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं, उसमें विटामिन कुछ न कुछ मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो है महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे शरीर में इनकी अल्प मात्रा ही पर्याप्त होती है, बहुत कम मात्रा ही हमारे शरीर में अगर ये जाती रहे, ठीक है, भोजन के माध्यम से, तो भी ये हमारे लिए पर्याप्त होगा। अब आते हैं विटामिनों के कार्य। अब आप समझ रहे हो कि विटामिन क्या होता है, विटामिन जो होता है विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का समूह होता है, ठीक है। आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक यौगिक है, वसा भी कार्बनिक यौगिक है, प्रोटीन भी कार्बनिक यौगिक है, इसी तरीके से विटामिन भी कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है, ठीक है। और विटामिन विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, ठीक, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन के, ठीक है, इस तरीके से विटामिन जो है कई तरीके के पाए जाते हैं। और हर भोजन में विटामिन का थोड़ा अंश होता है, और वही थोड़ा अंश ही जो है हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है, मतलब शरीर को बहुत कम विटामिन की जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है ताकि जो है हमारा शरीर जो है स्वस्थ रह सके, ठीक है बेटा। अब हम आते हैं विटामिनों के कार्य।
विटामिन के कार्य क्या बेटा? विटामिन अच्छे स्वास्थ्य तथा सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे और आपके शारीरिक जो वृद्धि हो रही है वो होती रहे, इसके लिए जो है हमें विटामिन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अगर विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ठीक है बच्चों, और शारीरिक वृद्धि भी आपकी रुक सकती है। जीवों में जो एंजाइम क्रिया के लिए भी विटामिन आवश्यक होते हैं, जीवों में जो एंजाइम होते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के पाचक तत्व होते हैं, उनकी क्रियाशीलता के लिए भी ये विटामिन आवश्यक होते हैं। जो विटामिन एंजाइमों की क्रिया में सहायक करते हैं उन्हें स्व एंजाइम कहा जाता है। जो ऐसे विटामिन होते हैं जो एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं तो उस विटामिन को हम क्या कहते हैं बेटा? स्व एंजाइम कहते हैं। विटामिन शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन जो शरीर का रख रखाव होता है, मतलब शरीर को ठीक रखने के लिए विटामिन की आवश्यकता होती है। विटामिन अच्छी दृष्टि, अच्छी दृष्टि का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि मतलब आपको देखने की जो आपकी कैपेसिटी है, क्षमता है, वो ठीक रहे, इसके लिए भी विटामिन की जरूरत होती है। और अस्थियों की वृद्धि, अस्थि का मतलब आप समझ ही रहे हैं, हड्डी की जो वृद्धि होती है, विकास होती है, उसके लिए स्वस्थ धातु के लिए आपका दांत स्वस्थ रहे, इसके लिए विटामिन की जरूरत। मसूड़ों तथा वृद्धि से स्कंदन, मसूड़ों के लिए जिसमें दांत आपका फिट रहता है, ठीक है, उन मसूड़ों से मजबूती के लिए। उसके बाद रुधिर के स्कंदन, अर्थात जो रक्त का थक्का जमता है, जैसे आपको चोट लग गया तो आपका जो वहां से ब्लड, जहां घाव लगा है वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, बढ़ना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़े समय बाद देखते हैं बच्चों ब्लड वहां अपने आप जम जाता है, ब्लड जम जाता है, उसके बाद ब्लड अपने आप धीरे धीरे रुक जाता है। ठीक है, अगर ब्लड नहीं जमेगा तो निरंतर लगातार आपके शरीर से ब्लड बाहर निकलता रहेगा और आपके लिए जो है वो परेशानी खड़ा कर देगा। इसीलिए जो है ब्लड का जमना भी बहुत जरूरी होता है, यह जो है विटामिन के द्वारा ही संभव होता है। रुधिर स्कंदन का मतलब है ब्लड का थक्का जमना। ठीक है बच्चों, आगे है शरीर में कार्बोहाइड्रेट, शरीर जो होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के उपयुक्त उपयोग के लिए भी विटामिन आवश्यक होता है। जो आपने अभी पढ़ा भोजन के घटक में कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, ये तो हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाते हैं, लेकिन अगर विटामिन नहीं रहेगा तो उसका उपयोग कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, इस सब का उपयोग नहीं हो पाएगा। इस सब का उपयोग होने के लिए जो है हमें विटामिन की जरूरत होती है। ठीक है, बिना विटामिन के इन सब का शरीर के अंदर भी चला जाएगा तो इनका उपयोग नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, अब उसके बाद यहाँ पर क्रियाकलाप है, दिए गए खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की जांच कैसे की जाती है इसको हम लोग देखेंगे। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच, खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की जांच, ये आपका क्रियाकलाप है। ठीक है, क्रियाकलाप। ठीक है बेटा, इसमें आपको समान लेना है वही परख नली। ठीक है, परख नली लेना है इस तरीके से, ऐसे आप परख नली ले लो। परख नली लेने के बाद एक ड्रॉपर रहेगा आपको, आवश्यक जो सामग्री है
नंबर दो में आप ड्रॉपर ड्रॉपर, नंबर तीन में आप लेंगे नीला कोठा या कापर सफेद, नीला कोठा या फिर कापर सफेद, COSO4 कापर सफेद लिख देते हैं सर यहाँ पर कापर सफेद, इसी का नाम है। और उसके बाद कास्टिक सोडा का नियम, कास्टिक सोडा का नियम, ये सामानों की जरूरत होती है आपको, ठीक है। सबसे पहले आप विधि देखेंगे, एक लाभ या शुष्क परत कुंडली लेना है, लाभ होना चाहिए, सूखा होना चाहिए परत कुंडली, और उसमें खाद पदार्थ का पीने लेना है, खाद पदार्थ का आपको पीने यहाँ से लेना है। और उसके बाद अब इसमें नीला कोठे के विनियर को दो फुट डालना है, जो नीला कोठा का विनियर होता है इसको इसमें क्या करेंगे ड्रॉपर की सहायता से आप इसमें दो फुट डालेंगे, दो तीन बूंद आप इस तरीके से डालेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे बेटा, और कास्टिक सोडा के मीडियम की कुछ बूंदें भी डालना है, इसके बाद इसकी बूंद भी आपको क्या करके इसमें डालना है, ठीक है, इसकी बूंद भी उसी में डालना है। उसके बाद उसको अच्छी तरह आपको मिला देना है। उसके बाद आप देखेंगे बीयर का रंग कैसा हो जाता है, ये बीयर का रंग किस तरीके का हो जाएगा, बैगनी रंग में बदल जाता है, तो नमूने में प्रोटीन है। इसका रंग कैसा हो जाएगा, बैगनी, बैगनी रंग हो जाएगा तो ये जानेंगे कि ये जो आपका सामग्री है प्रोटीन युक्त सामग्री है, तो इसका अगर बैगनी रखा हो जाता है तो आप जानेंगे इसका इसमें जो है खाद्य सामग्री में प्रोटीन की मात्रा है। अगर रंग उसका चेंज नहीं होता है तो आप ये जानेंगे कि उसमें जो है प्रोटीन नहीं है। तो ये हमारा प्रोटीन को जांच करने का क्रियाकलाप था बेटा, ठीक है। इसके बाद इसमें हमको प्रोटीन विटामिन के स्रोत, उसके बाद खनिज लवण के विषय में पढ़ना है, जिसको अगले वीडियो में देखा जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय बेटा, टेक केयर।